वीडियो में मैं आपके लिए iOS 12 का परफॉर्मेंस रिव्यू लेकर आया हूँ अपने iPad Air 2 के ऊपर। तो इसमें जैसा कि हम देखते हैं कुछ डिजाइन चेंजेस। तो फर्स्ट हम देख पा रहे हैं कि राइट साइड के अंदर एरोप्लेन मोड का सिंबल अब दिखाई देता है, जो कि पहले लेफ्ट में दिखाई देता था। साथ ही लेफ्ट साइड में डे और डेट और टाइम आज का दिखाई देता है। राइट साइड से नीचे की ओर स्वाइप करने पर आपको मिलेगा कंट्रोल सेंटर, और उसी में आपको एक नीचे सिंबल मिलता है QR कोड कैमरे का। तो पहले की तरह अब आपको अलग से एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारी एप्लीकेशन का जो है QR कोड का वो इसके अंदर आ गया है। लॉक स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि एरोप्लेन मोड के सिंबल के नीचे एक बार है जो ये शो करता है कि इसे स्वाइप नीचे करने के बाद आपको कस्टमाइज कंट्रोल मिलेगा। सेटिंग्स के अंदर हम देखते हैं तो सेटिंग्स के अंदर आप देख सकते हैं iOS 12 है, और जो नया ऑप्शन आया वो है स्क्रीन टाइम। स्क्रीन टाइम के अंदर एक्चुअली कैटेगरीज बना रखी है इस बार, तो हर कैटेगरी के अंदर ऐप्स को डिवाइड कर रखा है। फॉर एग्जांपल क्रिएटिविटी एंड प्रोडक्टिविटी। क्रिएटिविटी के अंदर फॉर एग्जांपल इन्होंने प्री इंस्टॉल्ड ऐप जो कि फोटोज और कैमरा है उसको रख रखा है। इसमें आप अपना टाइम लिमिट सेट कर सकते हैं, ऐप की लिमिट सेट कर सकते हैं, तो उस लिमिट के बाद में ये जो है आपको एक नोटिफिकेशन अपीयर होगा जस्ट 5 मिनट बिफोर द टाइम हैज़ टू कम्प्लीट। और उसके साथ ही ये आपके iCloud के सारे जो डिवाइस उसके साथ में एक साथ में सेट हो जाएगा। तो इसके अलावा आप इसमें ऐप्स को शामिल कर सकते हैं, कौन सी ऐप्स को क्रिएटिविटी ऐप्स के अंदर डालना है, कौन सा को प्रोडक्टिविटी में डालना है, ये सब आप इसके अंदर सेट कर सकते हैं सेटिंग्स के अंदर। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन इसमें एक कमी है जो मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। सेकंड, आप ये देख सकते हैं कि ये प्रोडक्टिविटी का जो मैंने यूज किया था, तो प्रोडक्टिविटी की ऐप्स ने खुद ब खुद चुन ली है, तो उसी ऐप को इसमें शो कर रहा है कि कितना टाइम यूज हुआ है यूज करने में। और यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा देखा कि कितने मिनट के लिए आपने इसको यूज किया, कितने घंटे के लिए यूज किया। सो सेकंड चीज़ आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये डाउन टाइम है, ये शेड्यूल टाइम अवे है, यानी कि आप एक टाइम आवर्स फिक्स कर देंगे कि कब जो है आपको iPad को यूज कम करना है, या मतलब एक लिमिट सेट करनी है ताकि एक लिमिट से ज़्यादा आप यूज़ नहीं कर पाए। तो स्टार्ट और एंड टाइम आप यहाँ पे सेट करके डाउन टाइम को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो जैसे ही फॉर एग्जांपल 10 बजती है तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका टाइम लिमिट हो गया है। इसी तरह ये गेम्स में भी आप देख सकते हैं कि डेली की लिमिट सेट कर सकते हैं आप इसके अंदर। और जो ये थर्ड ऑप्शन है ऑलवेज अलाउड, मतलब कि आपको जब डाउन टाइम कम्प्लीट भी हो जाएगा, या ये वो ऐप है जो आप लिमिट के बाहर भी आपके काम करेगी, यानी कि अगर आपकी लिमिट एक्सीड हो गई उसके बाद में भी आपके काम। चौथा वाला ऑप्शन ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन दिया है, इसमें आप किसी भी ऐप्स को इंस्टॉलिंग के लिए अलाउ कर सकते हैं और डिलीट के लिए, जैसे मैंने अभी डोंट अलाउ किया है, और जैसे इन ऐप पर जिसको मैंने डोंट अलाउ किया है तो कोई इसको नहीं कर पाएगा, इवन मैं भी नहीं कर पाऊँगा जब तक मैं इस सेटिंग्स को वापस अलाउ पे चेंज नहीं कर सकता। इसका एक लाइव एग्जांपल आपको बताता हूँ, जैसे कि बैटरी लाइफ का मेरा एक ऐप है, इसको मैं ऑन स्क्रीन लेके आता हूँ। हाँ, एक्चुअली इस ऐप में ये हुआ है कि अभी जो है iOS 12 ने इसको एक्सेस देना बंद कर दिया है, तो ये ऐप अब किसी काम की नहीं रही है, वियर लेवल नहीं बता सकती, और ना ही iPad में बीटा बैटरी हेल्थ का कोई ऑप्शन आता है। तो बैटरी हेल्थ के ऑप्शन के लिए अभी जो है iPad में कोई ऑप्शन नहीं आया है, हो सकता है इन फ्यूचर इसमें कुछ ऑप्शन अपग्रेड हो जाए, सपोर्ट करने लग जाए। तो मैं जैसे मैंने बताया कि मैंने अनइंस्टॉल ऐप को जो है डोंट अलाउ पे क्लिक किया, तो डोंट अलाउ पे क्लिक करने के बाद देखिए क्या होता है। ये मैं अनइंस्टॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इंस्टॉल अनइंस्टॉल नहीं हो पा रही है क्योंकि मैंने सिलेक्ट नहीं कर रखा है अभी। मैं जैसे देखिए कि मैं इधर जाके डिलीटिंग ऐप के ऊपर डोंट अलाउ को मैं अलाउ में चेंज कर देता हूँ, और अभी मैं प्रेस करके रखता हूँ, देखिए ये अनइंस्टॉल का क्रॉस आइकन आ गया है। तो ये एक अच्छा फ़ायदा है, लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि इन केस अगर आपका आईपैड किसी को मिलता है या आईफोन किसी को मिलता है
और वो कोई ऐप इसमें से हटाना चाहे तो वो हटा सकता है अगर उसको इस सेटिंग्स के बारे में बताओ। तो एप्पल को यहाँ पे ये करना चाहिए था कि उसको यहाँ पे अपना टच आईडी पासवर्ड इस सेटिंग्स को एक्सेस करने के लिए दे देना चाहिए था, ताकि क्या हो कि आपके बिना पासवर्ड के आप इसकी सेटिंग को कोई चेंज नहीं कर सकता। और जो एक और एप्लीकेशन जो वॉइस मेमोज है उसका थोड़ा डिज़ाइन चेंजेस आया है। वॉइस मेमोज जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें ऑडियो क्वालिटी का आप लॉसलेस और ऑटो डिलीट ऑप्शन को आप नेवर कर सकते हैं जैसा आप चाहे। स्टॉक्स ऐप में आप देखेंगे प्राइवेसी का नया डॉक्यूमेंट ऐड किया गया है और इसमें भी कुछ डिज़ाइन चेंजेस हुए हैं। एप्पल ने रीडिज़ाइन किया है पूरे स्टॉक ऐप को और एप्पल बुक्स अब चेंज हो गई है, यानी कि जैसा कि आप अभी इस वीडियो में आगे देखेंगे परफॉर्मेंस जो iOS 11 में काफ़ी ख़राब हो गया था इसका, वो परफॉर्मेंस वापस आ गया है जो iOS 10 और 9 में देखने को मिलता था। तो काफ़ी डिजाइन चेंजेस के साथ ही आपको कुछ और बेहतर ऑप्शन मिलेंगे एप्पल बुक्स के अंदर। तो जैसे कि अभी हमने एप्पल बुक्स को स्टार्ट किया है, ये फर्स्ट टाइम ओपन किया है, तो आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा इसके अंदर। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टोर एक के अंदर ही आ गया, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब इसको एक्सपांड किया गया इस एप्लीकेशन को। नेक्स्ट इसमें आप देख सकते हैं कि हर PDF के नीचे जो है परसेंटेज लिखा हुआ, यानी कितने परसेंट आपने रीड कर लिया है। इसके अलावा साइड में आपको 3 डॉट मिलता है जिसमें सारे ये सारे ऑप्शन जो आपको देखने को मिलता है। सबसे बेस्ट ऑप्शन मुझे लगा ये शेयर PDF का, जिसमें हम आपके पास इतने सारे ऑप्शन हैं इस PDF को शेयर करने के, जो कि पहले सिर्फ मेल का ऑप्शन आता था, अब आपके पास काफ़ी ऑप्शंस आ गए हैं, काफ़ी ऐप इसको सपोर्ट करने लगी है PDF को शेयर करने के लिए। और परफॉर्मेंस वाइज आप देख लीजिए कि PDF में लोडिंग इशू कुछ नहीं है, पहले से ही लोड हो जाती है। एक ऑप्शन जो इसमें से चला गया वो मुझे लगता है कि पिंच आउट करने का ऑप्शन चला गया है। और बाकी आप इसको एडिट करने के लिए आप जैसे देखिए पेन देख सकते हैं, तो पेन में अपना निप का जो बिट का साइन है साइज है वो चेंज कर सकते हैं। और इसमें आप जैसे कि आप देख सकते हैं मैं 3-4 तरह का जो बिट का साइज बढ़ा के इसमें जो है अपने मार्क को जो है मोटा और पतला कर सकता हूँ। इसके अलावा जो बेस्ट ऑप्शन इसमें लगा है वो है कलर का, तो अब आपके पास बहुत सारे कलर्स हैं इसको मार्कअप करने के लिए। इसके अलावा जो फ़ोटोज़ में जो एडिटिंग का ऐप होता था वो आप इसमें यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप सिग्नेचर इसमें डाल सकते हैं अपना और कुछ टेक्स्ट एडिट कर सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन दिया है। इसके अलावा जो पहले का ऑप्शन आता था एयर ड्रॉप, इसमें और ऐड हो चुका है। और बाकी तो सारा सब कुछ वैसा ही है लगभग, लेकिन उससे काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है iOS 11 के मुकाबले में। और आप जैसे कि देख सकते हैं कि ऐप स्विचिंग का एक्सपीरियंस आप जैसे देख सकते हैं, नीचे से स्वाइप करके अगर आप राइट साइड में आप फिंगर को लेकर जाते हैं तो आप एक ऐप से दूसरे ऐप के बीच में स्विच हो सकते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं आप फिंगर्स का भी यूज़ सकते हैं, 5 फिंगर्स का यूज करके स्क्रीन के ऊपर आप लेफ्ट से राइट में करेंगे तो भी ऐप का स्विच हो सकता है। जो ये राउंड ट्रायंगल आता है इससे ये एप्पल का आईपैड का नया डिजाइन जो आने वाला है उसका थोड़ा हिंट्स मिलते हैं इसको देखने के। और जैसा कि आप फोटोज ऐप में देख सकते हैं, फोटोज ऐप में क्या क्या डिजाइन चेंजेस आए हैं वो हम देखते हैं। नीचे से स्वाइप करने पे इसमें कुछ नहीं मिलता है, ये नॉर्मल फोटो है। एडिट में आप जाके देख सकते हैं, जैसे ऑटो एनहांस मोड ऑन करते हैं तो सेम पहले वाला फीचर ही है। इसके अलावा जो है प्रीसेट जो है उसमें आप सेलेक्ट करके फ़ोटो को आप चेंज कर सकते हैं, और फ़ोटो को वापस ओरिजिनल कंडीशन में करने के लिए आप रिवर्ट बटन पर क्लिक कर सकते हैं तो ये रिवर्ट ओरिजिनल हो जाएगा। सेकेंड चीज़ जो है इसमें मैं आपको बताता हूँ एडिट करने का, जो है मेरे पास एक लाइव फ़ोटो है तो इस लाइव फ़ोटो में आप जो है मैंने अपना आईफोन से लिए और इसमें डाला है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसको भी आप एडिट कर सकते हैं लूप में, लाइव फ़ोटोज में, रिफ्लेक्ट में और बाउंस, ये सारी इसमें जो है प्रीसेट्स लगा सकते हैं। इस फ़ोटो को एडिट भी कर सकते हैं और की फ़ोटो जो आप अपनी मन चाहे जो की फ़ोटो उसको बना सकते हैं।
अभी जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि एनहेंस भी इसमें कर सकते हैं, और जो प्रीसेट जो नॉर्मल फ़ोटो के लिए होता है वो इस फोटो लाइव फ़ोटो में भी आपको ये ऑप्शन देखने को मिलता है। वो मैंने एक प्रीसेट को सेट कर दिया है, और जैसे कि आप देख सकते हैं फ़ोटो काफ़ी बेहतरीन हो गई है इस लगाने के बाद में। अब जो एप्पल का नया ऐप है स्टॉक को जो रीडिजाइन किया है उसके बारे में हम देखते हैं। स्टॉक में आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में आपको स्टॉक के रेट्स जो है वो दिखाई देंगे, और जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप उसका जो स्टॉक का परफॉर्मेंस है पर डे और इवन आप अप टू लास्ट 10 ईयर्स तक का दे सकते हैं। साथ ही उसके सफारी ब्राउज़र को इनबिल्ट करके उसमें एप्पल से रिलेटेड जो आप जिसका स्टॉक देख रहे हैं उससे रिलेटेड आपको देखने को मिलता है सब कुछ। आपको जो भी न्यूज आती है वो इसी में आप रीड कर सकते हैं। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा ऐप बनाया है इस बार एप्पल ने। और एक नेक्स्ट ऐप है जो एप्पल का म्यूजिक ऐप है, इसमें देखते हैं कि क्या डिज़ाइन चेंजेस आए हैं, एप्पल ने कौन से डिज़ाइन चेंजेस बनाए हैं। तो बेसिकली यहाँ पे कुछ डिज़ाइन चेंजेस तो देखने को कुछ मिल नहीं रहा मुझे। ये थोड़ा आर्टिस्ट का वॉल साइड काफ़ी इस बार इंटरेस्टिंग बनाया है इन्होंने, वॉलपेपर्स को आर्ट वॉलपेपर को काफ़ी बड़ा किया है। लास्ट हम देखते हैं कि इसमें गेमिंग परफॉर्मेंस कितनी अच्छी हुई है। तो एसफाल्ट 8 गेम मैंने इसके अंदर इसी आईपैड के अंदर iOS 11 में खेला था, तो मुझे परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए तो फ्रेम रेट्स काफ़ी ही मुझे स्लो देखने को मिली थी, अराउंड 30 के आसपास मुझे फ्रेम रेट देखने को मिली थी। हालांकि इसमें लॉन्च टाइम थोड़ा कम देखने को मिल रहा है मुझे iOS 11 के मुकाबले में। तो देखते हैं कि गेमिंग की परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है या नहीं iOS 12 के अंदर। तो जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं ग्राफिक्स इसमें काफ़ी अच्छे दिखते हैं बिकॉज ऑफ दिस स्क्रीन रेजोल्यूशन काफ़ी अच्छा है, तो आपको इसमें क्लैरिटी की दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत आएगी इस गेम को खेलने में वो आएगी इसको जब आपको फ्रेम रेट्स जो है आपको आईफोन में इससे ज़्यादा अच्छे देखने को मिलते हैं। आईफोन में जो गेम बाकायदा काफ़ी स्मूथ चलता है ये गेम। मैंने एक वीडियो बना रखा है आईफोन 6s और आईफोन 7 प्लस में इसी गेम का, तो आप वो आई बटन में जाके उसका देख सकते हैं, उसमें आपको परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। तो इसमें अभी हम देखते हैं रेस स्टार्ट हो चुकी है और देखते हैं कि फ्रेम रेट्स हमें बेहतर देखने को मिलते हैं कि नहीं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसा कि मैंने कहा था क्लैरिटी आपको अच्छी देखने को मिलेगी, लेकिन फ्रेम रेट का इशू इसमें वही का वही है। जो मुझे फ्रेम रेट देखने को मिल रही है वो है अराउंड 30 के आसपास, मुझे बिल्कुल भी स्मूथ एक्सपीरियंस देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि क्लैरिटी का कोई दिक्कत नहीं है, बेटर देन आईफोन 7 कहूँगा क्योंकि डिस्प्ले बड़ी है और रेजोल्यूशन बड़ा है, लेकिन फ्रेम रेट्स काफ़ी ड्रॉप हो रही है इस गेम के अंदर। तो सेम इशू यही है इसमें भी कि फ्रेम रेट देखने को नहीं मिल रही ज़्यादा, जो कि iOS में जनरली हमें देखने को मिलती है। इसमें एंड्रॉयड डिवाइस के जैसा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, आई थिंक जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रीवियस प्रोसेसर और बड़ी स्क्रीन के कारण ऐसा देखने को मिल रहा है। तो iOS 12 का इसमें कोई रोल नहीं रहा है इसको इम्प्रूव करने के अंदर। और थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही वीडियोज और इसके अपडेट्स मैं लेके आते रहूँगा। अगर कुछ अपडेट मुझे देखने को मिलता है iOS 12 के अंदर तो ज़रूर मैं लेके आऊँगा आपके लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।